सुप्रभात बच्चों, आप सब अच्छे होंगे। आप लोगों ने अपना वक्त भी कर लिया होगा, किया है ना, और वो भी अच्छी राइटिंग में। और आपकी कॉपी भी मैं चेक करके भिजवाती हूँ, उसमें रिमार्क मिलता है। जो बच्चे मुझे कॉपी सबमिट करवाते हैं उनकी तो चेक होगी ना। आप लोग कुछ बच्चे सबमिट ही नहीं करवाते हैं, तो चेक कहाँ से होगी। इतने इतने बच्चे तो ऐसे हैं जो कि मैं अभी आपका लेक्चर किया कम्प्लीट और आपके दोपहर तक आपका वर्क कम्प्लीट होकर मेरे पास आ जाता है, और उनकी मैं हैंड रोल कॉपी चेक करके भेज देते हैं। तो आपको भी अपना वर्क फटाफट करवा के करके फिर मुझे भेजना है। हम पाठ पढ़ रहे थे अकबर और बीरबल, ठीक है। ये हमारे इसके गद्यांश भी पूरे हो गए थे, और गद्यांश में कुछ प्रश्न उत्तर भी थे, कुछ हमने ट्रू फॉल्स भी किए थे। हमने इसमें जितने भी बीच में आए थे हार्ड वर्ड्स जो भी थे वो हम पूरे कर चुके हैं, शब्दार्थ भी हमने कर लिए हैं। अब हम इसी चैप्टर के जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं एमसीक्यू वो करेंगे। तो आपको अपनी किताब का पेज नंबर आपको 18 निकाल के रखना है। अपने आप पाठ्य पुस्तक निकालेंगे और पेज नंबर 18 निकाल लिया सबने। अभी तो आपको मेरे साथ में अपनी किताब के अंदर उसे निशान लगाने हैं, और उसके बाद में मैं इसकी जब पिक भेजूंगी वो आपको वक्त अपनी कॉपी में करना है। तो मैं इसकी हेडिंग लिख देती हूँ पहले, आपको हेडिंग से पता चल जाएगा कि उत्तर मिल गया सही। उत्तर के सामने, सही उत्तर के सामने सही का, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। पहले नंबर पे आपके अकबर और बीरबल, अकबर और बीरबल जंगल में कहां रुक गए, कहां पे देखो आपको अनुनासिक लगाना है। अगर आप अनुनासिक नहीं लगाओगे तो वो बन जाएगा कहा। तो आपको कहा नहीं लिखना है, आपको लिखना है कहा। तो आपको उस पे अनुनासिक लगाना है, ठीक है। अकबर और बीरबल जंगल में कहां रुक गए, अकबर और बीरबल जंगल में कहां रुक गए। इसमें तीन ऑप्शन दिए गए हैं, कै खै गए। अब आपको राइट ऑप्शन है उस पे आपको सही का निशान लगाना है। मैं तीनों ऑप्शन बोल रही हूँ, एक नदी के पास, एक तालाब के पास या एक झरने के पास। कहां रुके थे अकबर और बीरबल जंगल में, आपको बताया आपने पाठ पढ़ाया था। खै खै, एक झरने के पास, एक झरने के पास। ऐसे आपको इसमें कॉपी में टिक लगा लेना, ठीक है। और अभी आप अपनी पाठ्य पुस्तक में इस पे सही का निशान लगा लो। उन लोग कौन थे इसमें, अकबर और बीरबल। उन लोगों ने
मिल गया ना आपको ये प्रश्न भी कहां पर है। उन लोगों ने आराम कहां किया? कहां किया? उन लोगों ने आराम कहां किया? कहां किया था उन लोगों ने आराम? मैं तीनों ऑप्शन बोल देती हूं, एक पेड़ के नीचे, एक झोपड़ी में, या एक मकान में। जब वो झरने के पास रुक गए थे, कहां रुके थे? झरने के पास रुक गए थे, तो उन्होंने फिर आराम कहाँ किया? एक पेड़ के पास नीचे, पेड़ के नीचे, या फिर एक झोपड़ी में, या फिर एक मकान में। कहाँ किया था? झरने के पास रुकने के बाद में, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे। भूख लगने पर भूख लगने पर अकबर ने क्या खाया? अकबर ने क्या खाया? जब जंगल में अकबर को भूख लग गई थी, तो उसने बीरबल को बोला कि मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही है, तो बीरबल ने उसको क्या खाने को दिया था और अकबर ने क्या खाया था? तो आपको फटाफट उत्तर भी याद आ गया होगा। मैम इसका उत्तर तो ये वाला होगा, फिर भी मैं ऑप्शन बोल देती हूँ इनके। जंगली फल, चने, या शाही खाना। अब जंगल में शाही खाना तो आता नहीं है, और जंगली फल भी नहीं खाए थे उसने, उसने क्या खाए थे? चने, जो वो घोड़े की जिन में रखे हुए थे, वो बीरबल निकाल कर लाया था चने। ये हमारी तीनों प्रश्न हो गए हैं कि आपने भी अपनी किताब में के निशान लगा लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद में हम एक एक्सरसाइज और करेंगे। आप पेज नंबर निकालेंगे 20, पेज नंबर निकालेंगे 20, भाषा व्याकरण मिल गया सबको। आपको सिर्फ इसमें सब में ई की मात्रा लगानी है, भाषा व्याकरण में तो आप ई की मात्रा लगाओगे सब में। समझो और लिखो। मिल गया सबको? मिल गई है एक्सरसाइज? सब में सिर्फ आपको बड़ी की मात्रा करनी है और कुछ नहीं करना है इसमें आपको, ठीक है। तो मैं शब्द लिख देती हूँ इसकी, है जंगली, ये आपको सिर्फ अपनी किताब में ही लिखने हैं। तलाशी भूखी ऊपरी सवारी, ये आपको सिर्फ अपनी किताब में ही भरने हैं। आप किताब में भर लेना इनको, सिर्फ मैंने इनके आंसर आंसर लिख दिए हैं, क्वेश्चन उसमें लिखे हुए हैं, अच्छे से लिख लोगे आप। पेज नंबर इसमें 20 है, पेज नंबर 20 से लिखने हैं आपको, पेज नंबर 20 बुक का है ये, पेज नंबर 20 पे आपको ये फिर